नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारी केट केलर. शी इज इन हर अर्ली 50s, वाइफ ऑफ जो एंड मदर ऑफ लैरी एंड क्रिस, और उनके जो दो बच्चे हैं लैरी एंड क्रिस. अ वुमन ऑफ अनकंट्रोल्ड इंस्पिरेशंस एंड एन ओवरवेलमिंग कैपेसिटी फॉर लव. ये एक बहुत ही शानदार लेडी हैं और उन वो खूब इंस्पायर्ड रहती हैं और उनमें प्यार भरपूर भरा हुआ है. अ टिपिकल सुपरस्टिशियस वुमन, लेकिन वो एक सुपरस्टिशियस वुमन है, यानी वो सुपरस्टिशन में बिलीव करती हैं और छोटी छोटी चीज़ों के अंदर टोक देती हैं. शी होप्स दैट लैरी हैज सर्वाइव्ड एंड विल रिटर्न होम, नॉट बिकॉज शी लव्स हरसेल्फ, बट शी नोज द ट्रूथ अबाउट जो. ही ऑर्डर्ड हिज पार्टनर टू कवर द क्रैक्स इन द सिलेंडर हेड दैट इवेंचुअली रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ सेवरल अमेरिकन फाइटर पायलट्स. ऑल्दो लैरी नेवर फ्लू अ P-40 फाइटर, केट इज अ सिंपथेटिक कैरेक्टर, बट द ट्रूथ ऑफ हर हस्बैंड्स गिल्ट टॉर्चर हर. अब केट ये सोचती है कि लैरी जो प्लेन क्रैश हुआ, जो प्लेन नहीं मिला, उससे वो सर्वाइव किया है और एक ना एक दिन ज़रूर घर आएगा. इसके लिए वो तरह तरह के जतन करती है, एस्ट्रोलॉजर को भी कंसल्ट करती है और चाहती है कि उसका बेटा वापस आए. नॉट ओनली बिकॉज शी लव्स अ सन, वो ये नहीं है कि वो सिर्फ अपने बच्चों को ही प्यार करती है, उसको अपने पति की सच्चाई भी पता है. ये पता है कि उसके पति ने ही उसके पार्टनर को कॉल करके बोला था कि तुम जो ये क्रैक्स हैं इनको कवर कर दो, और उसके वजह से इतना बड़ी ट्रेजिडी हुई कि बहुत सारे अमेरिकन फाइटर पायलट्स जो थे वो क्रैश कर गए प्लेन और उनकी मृत्यु हो गई. अब लैरी तो कभी भी P-40 जो फाइटर प्लेन था वो नहीं चलाता था, लेकिन लैरी भी मिसिंग था. लैरी के इंतज़ार में पूरे ड्रामा में केट लैरी का वेट करती है. केट इज़ ए सिंपथेटिक कैरेक्टर, बट द ट्रूथ ऑफ अ हस्बैंड्स गिल्ट टॉर्चर है. केट के प्रति हमको सिंपथी होती है और वो दूसरों के प्रति भी बहुत अच्छी भावना रखती है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसके पति की जो सच्चाई है, उसके पति का जो गिल्ट है, वो अंदर ही अंदर उसको खाता रहता है.